हेलो एवरीवन, टेक्जिट है टूचल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन पेपर का टोटल एनालिसिस और इसके अलावा भी कैसे आपको अटेंड करना है एग्जाम, उसके बारे में बातें बताएंगे आपको। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे एक नोटिस सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस। इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो इसमें पैसेज दिया है, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा, पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपकी सुविधा के लिए आप इसको पॉज कर करके पैसेज को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर देने हैं उनके। इसमें आप देखिए कम्युनिकेशन के ऊपर है ये पैसेज पूरा, तो यहाँ से इसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें ए पार्ट है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ऊपर पैसेज है उसमें ये जो यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका जवाब ऊपर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप एक बार पैसेज पढ़िए, आपको पूरा पूरा अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 3 है, व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन इंटरनल कम्युनिकेशन। 5 है, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। बीच में बी पार्ट है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको जो ये मीन वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पैसेज में से निकालने हैं। ये दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि वर्ड्स हैं मैसेज, नोइंगली, फॉर्म, गारंटी, ऑर्डर्स, क्लाइंट्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें सी पार्ट है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द अबो पैसेज, एलाबोरेट योर व्यूज ऑन इट। ये 4 नंबर का है, तो इसको आपको थोड़ा सा इन कंपैरिजन जो पहले वाले हैं उनसे ज़्यादा इसको लेंथी करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल्स। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है व्हाट इज हैप्टिक्स, तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक और चौथा है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहला है, कंप्लीट द फॉलोइंग्स कंपनी प्रोफाइल विद द करेक्ट टेंस और टू द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं इनकी करेक्ट फॉर्म से आपको इसको फिलअप करना है। जो ब्लैंक्स दिए हैं इसमें देखिए, कम्युनिकेशन इज द रिलेशन ब्लैंक इन्वॉल्व, ऐसे इसमें दिए हुए हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। इसमें दूसरा दिया हुआ है बी पार्ट, फॉलोइंग आर द आंसर्स टू सम क्वेश्चंस, फ्रेम द क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। पहला है हाउ, ये आगे दिया हुआ है, तो इसको आप WH वर्ड का यूज करके आपको सोल्व करना है। सी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स। यू आर ब्लैंक सेफ हेयर देन बिफोर। यू आर, तो इसमें जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करना है, जैसे सेफेस्ट, सेफेस्ट नंबर 4 है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, राइट ए नोट टू योर फ्रेंड अबाउट दिस अचीवमेंट इन 250 वर्ड्स। डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, आउटलाइन योर एस्पिरेशन एंड स्ट्रगल, डिस्कस योर इक्वेशन विद टीम मेंबर्स, टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम होम। तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करनी है आपको, फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, आपको नोट लिखना है। और 20 नंबर का है ये, 250 वर्ड्स में है, तो आपको अच्छे से पैटर्नाइज करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, राइट ए डायलॉग बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। ये 20 नंबर का है। इसमें टोटल 5 5 क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो पर लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।